हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेंसेस का बेसिक बात किया था, टेंस क्या होते हैं, टेंस के टाइप्स और फिर उनके टाइप। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। उसमें भी हमने आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस ये चीजें मैंने कल आपको बताई थी। आज चलिए हम सबका एक एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडेफिनिट और कंटिन्यूस की डिटेल बताऊंगी। अगर हम पूरी चीजें कवर करते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो हो सकता है आप लोग उसे देख के बोर हो, इतना लंबा वीडियो ना देख पाए। तो छोटे छोटे पार्ट्स में समझिए, लेकिन चीजों को ढंग से समझिए। और अगर आप लोग चाहते कि हम आपको लंबे वीडियो प्रोवाइड करें, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट के पहचानते कैसे हैं हम? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, तो ऐसे ऐसे सब ऐसे सेंटेंस को देख के हम पहचान जाते हैं ये इंडेफिनिट के अंदर आएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स, इंडेफिनिट टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और डीएस प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज होती, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज होता है। अब बात करते हैं हम सब कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम उसमें एस और ईएस लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे। अब सबसे पहले बात आती है सिंगुलर में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ही, शी, इट, किसी का नाम हो गया, मान लीजिए राम, श्याम, तो ये चीजें सिंगुलर में आती है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में आई, वी, दे, ये सब चीजें प्लूरल में आती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये चीजें एक कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिवीजन करने में। अब जब हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह जाता है, अब लास्ट में क्या आ गया, ता है, तो हम समझ जाएंगे इनडेफिनेट है। तो ही गोज। फ्रेंड्स, इसमें हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और उसके साथ एस और ईएस हमने लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने दे दिया मैं खेलता हूं, तो क्या आ जाएगा, आई प्ले, आई प्ले। आप भी खेल खेल में पढ़िए, बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से सब चीजें याद हो जाएंगी। चलिए, आई प्ले, क्यों, आई हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमने एस और यस का यूज नहीं किया है। आप चलिए, ये तो हो गई। अब हम इसमें बात करते हैं निगेटिव की। सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं या हम निगेटिव का यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमें सब चीज का स्ट्रक्चर पता हो ना, तो फटाफट काम कर लेते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम नॉट लगाएंगे तो हमें ऑक्सिलरी की जरूरत होगी, तो इसमें हम क्या करते हैं, डू और डज लगाते हैं। डज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है और डू हमेशा प्लूरल के साथ आता है। अब आप एक तरीके से और याद रख
समझ सकते हैं कि सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस लगाते थे, तो डज में डू में ईएस लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर का, तो इसलिए हम सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। फ्रेंड बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में। अगर आपको फिर से कोई चीज़ पूछनी हो, अगर कोई दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आप डेली अपनी ग्रामर की बुक से प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए। आप चलिए ले लेते हैं, मैं नहीं खेलता, तो क्या जाएगा, आई डू नॉट प्ले। अगर यहाँ पे होता वह नहीं खेलता तो ही डज नॉट प्ले। अब इसी में हम इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मतलब क्वेश्चन किया जाता है, उसमें आगे क्या आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना ना भूलना इंट्रोगेटिव में। अगर हम क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। अब चलिए बात करते हैं क्या हो सकता है। आपको पेपर में दे दिया जाए, चार ऑप्शंस दे दिए जाए, उनमें पूरा सेंटेंस सही बनाओ, बस क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वही हमारा आंसर सही होगा इंट्रोगेटिव के उसमें। अब क्या मैं खेलता हूँ, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, डज आई प्ले, इसमें डू और डज, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, डू आई प्ले, इसमें डू और डज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो बात कर ली हमने इनडेफिनेट की, अब हम बात करते हैं हमारे कंटिन्यूअस की। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअस टेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, जिनमें जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, आता है, ऐसे वाक्यों को हम कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, निरंतर, है ना। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है, तो वहां पे कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे, तो रहा है, रही है, ऐसे उनके अंत में आते हैं। अब चलिए हम फटाफट से इसका सेक्शन देख लेते हैं। अब कंटिन्यू हमने बताया था इंडेफिनिट में हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन कंटिन्यूअस में हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, इसमें इज एम और आर का यूज करते हैं। चलिए हम सबसे पहले फटाफट सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करते हैं, जिसको हम जिरंड फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करते हैं। चलिए इस का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और एम का यूज हम आई के साथ ही करते हैं, केवल एम का यूज आई के साथ ही होता है। चलिए हम फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। वह जा रहा है तो क्या बनेगा, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अगर यहाँ पे होता मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, अगर होता बे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग। इसी में हम निगेटिव भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है वह नहीं जा रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, ही इज नॉट गोइंग, सेम बनेगा, बस इसके साथ नॉट आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, क्या वह जा रहा है तो क्या आ जाता है, इज ही गोइंग। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव की, इसमें नहीं भी लगा होता, क्या वह नहीं जा रहा है, तो हम कैसे बनाते, इज ही नॉट गोइंग। फ्रेंड जब हम सबसे पहले फटाफट से टेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगी, क्योंकि उन सबका बेसिक टेंसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और हाँ, प्रैक्टिस करते रहें। किसी भी चीज में आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।